नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट इन गाना फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से गाना में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री, पुअर कंट्री है साउथ अमेरिका की, लेकिन इंडिया से काफ़ी अच्छा पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं बात करूँ टॉप कंपिटेटर कंट्रीज़ की, टॉप कंपिटेटर कंट्रीज कौन कौन सी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गाना में एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि गुआना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, टेक्निकल रिसर्च आ ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है गुआना के बारे में, मेन सीपोर्ट कौन कौन से, मेन एयरपोर्ट्स कौन कौन से, ये सब पूरे क्वेश्चंस का आंसर लेके हैं छोटे से वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टॉप कंपिटेटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जो कि गुआना में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए 664 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है गुआना में। अगर मैं पोर्टुगल की बात करूँ तो पोर्टुगल भी पीछे नहीं है, पोर्टुगल 407 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है गुआना को। अगर मैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की बात करूं, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो 272 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है गुआना में। अगर मैं चाइना की बात करूं कि चाइना सस्ता देता है, चाइना भी 272 मिलियन डॉलर का ही पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है गुआना को। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके भी 110 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है गुआना में। अगर मैं बात करूं टॉप वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि गुआना सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उससे पहले मैं बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसका अपडेट पता कीजिए कब है, कौन से मंथ में, कब किस टाइम है, एवरी मंथ होता है। तो बेसिकली उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे इंक्रीज करते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इंसेंटिव मिलते हैं आपको, क्या गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली टॉप कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली वो इंपोर्ट करता है गुआना, तो सबसे पहले पायदान पे आता है सिप फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वो बेसिकली सिप अगर सिप मेंटेनेंस का भी काम करना चाहते हैं तो वो भी बिजनेस अच्छा चलता है वहां पे। सिप फ्लोटिंग बोट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर वो टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, 1.55 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 38.86% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना, यानी गुआना जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 38.86% का टोटल वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, बोट, सिप्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर या द सिप्स, वही सब वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो मिनरल फ्यूल, एडेबल ऑयल, बेसिकली ये कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है 475 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 11.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल द इंस्ट्रूमेंट्स, जो पाइपलाइंस, स्टील स्ट्रक्चर, द बेसिकली मैकेनिकल द प्रोडक्ट्स जितने भी बने हुए हैं, या फिर बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर, या मैकेनिकल जो भी इक्विपमेंट्स है, बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, मैकेनिकल रिलेटेड प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा है 383 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 9.58% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना। अगर मैं बात करूं बेसिकली केमिकल प्रोडक्ट की, तो बेसिकली वो जैसे गुजरात से भी बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, इवन ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो हम चाइना को भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर केमिकल की बात करें कि केमिकल प्रोडक्ट को कितना इंपोर्ट करता है, केमिकल प्रोडक्ट वो 196 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना, यानी अभी तक सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है सिप्स, बोट्स एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ही। अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर में ऑटोमोबाइल व्हीकल या ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है 134 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.36% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना। अगर मैं बात करूं बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, अगर इलेक्ट्रिकल वायर की हमने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर की कहां पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल द प्रोडक्ट में काम करते हैं तो आप गुआना को भी टारगेट कर सकते हैं, और वो वीडियो आप जरूर देखिए, इसके उससे आपकी हेल्प जरूर होगी। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, 126 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.16% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना। अगर मैं बात करूं सेवन नंबर पॉइंट की, तो सेवन नंबर पॉइंट पे आता है स्टील, आयरन एंड स्टील रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्ट है, जो बने हुए सामान है, फिनिश गुड्स, आयरन एंड स्टील के जो बने हुए सामान है, फिनिश गुड्स है, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो 90 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड
2.27% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना, यानी जितना भी गुआना इंपोर्ट करता है उसका 2.27% बेसिकली वो आयरन एंड स्टील से बने हुए सामान इंपोर्ट करता है। अगर मैं 8th नंबर की बात करूं तो बेसिकली उसमें आता है 8th नंबर में साल्ट, सल्फर, स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट, इस टाइप के जो केमिकल्स और केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो बेसिकली वो 67 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 1.69% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना, जो कि गुजरात से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूँ बेसिकली 9th नंबर पॉइंट की, तो 9th नंबर पे बेसिकली आता है एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, उसके पार्ट्स, जो भी एरोस्पेस से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है या इक्विपमेंट्स है या मशीनरी या रेडीमेड प्रोडक्ट है, बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, वो पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है 66 मिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 1.67% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना। अगर मैं बात करूँ बेसिकली प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आप गुजरात के रहने वाले तो आपकी चांदी चांदी आप टारगेट कर सकते हैं गुआना को, गुआना में आप टारगेट कर सकते हैं गुआना को, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में वो इंपोर्ट कर रहा है। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट गुआना कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो 65 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 1.64% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ गुआना, यानी गुआना जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 1.64% अकेला वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप गुजरात से रहने वाले या गुजरात के आसपास के एरिया के रहने वाले, तो गुजरात से लेके आप बेसिकली इसको टारगेट कर सकते हैं गुआना को प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में, और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती ही जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है गुआना के बारे में, तो बेसिकली टेक्निकल रिसर्च में सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। तो गुआना की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी थोड़ी सी कमी रहती है, 14.48 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी है टोटल ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूँ बेसिकली पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बहुत कम है, कितना 7.9 लाख का ही पॉपुलेशन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जबरदस्त निकल के आ रहा है। इसके हिसाब से जैसे कि पुअर कंट्री, गरीब कंट्री है, गरीब वहाँ पे अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बेसिकली गरीब कंट्री बोला जाता है गुआना को, तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम निकल के आ रहा है 18,747 यूएस डॉलर, यानी 18,747 यूएस डॉलर बेसिकली पर ईयर हर वो एक सिटीजन जो कि गुआना में रह रहा है वो पर ईयर इनकम कर रहा है, जिसमें इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2,500 यूएस डॉलर ही है। हमारे से भी वो काफ़ी अच्छा अमीर है, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका की कंट्री वहाँ में उसको, वहाँ पे उसको पुअर कंट्री बोला जाता है क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम कम है। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कौन कौन से सेक्टर वहाँ पे बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ के GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 15.4% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे इंडिया का भी 16% का कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। और वहाँ का इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्री 15.3% का कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में गुआना की। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूँ कि सर्विस इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रहा है, 69.3% का सर्विस इंडस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है गुआना की GDP में। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज चलती है या फिर गुआना की जो ऑफिशियल खुद की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, वो चलती है। अगर करेंसी की बात करूं तो गुआना इस बेसिकली डॉलर चलता है, जो कि करेंसी बहुत डीवेल्यूएटेड है। कितना 1 गुआनीज डॉलर इज इक्वल्स टू 0.4 INR, यानी हमें अगर एक गुआनीज डॉलर खरीदना है तो हमें 40 पैसा देना होगा, एक रुपये भी नहीं, 40 पैसा देना होगा। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 2.52 गुआनीज डॉलर, इतनी डीवेल्यूएट करेंसी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अच्छा है। अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपोर्ट की, तो 2.8 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल इंपोर्ट 2.49 बिलियन डॉलर का कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। धीरे 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 इसके ग्रोथ निश्चित है। वो कंट्री जो कि एक्सपोर्ट ज्यादा करती है और इंपोर्ट कम करती है, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री का ग्रोथ धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। अगर मैं बात करूं मेन सीपोर्ट की, तो बेसिकली वहां पर जो मेन सीपोर्ट है पोर्ट ऑफ जॉर्जटाउन, मेन सीपोर्ट पोर्ट ऑफ न्यू एमस्टरडम, ये दो मेन सीपोर्ट है। एयरपोर्ट की बात करूं, वैसे तो एन नंबर ऑफ सीपोर्ट है, लेकिन मेन की बात करूं जहां पे अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं, मेन एयरपोर्ट की बात करूं तो चेडीजगन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या कायतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पे अपना शिपमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बेसिकली गुआना में जाना चाहता है या गुआना में टारगेट करना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, या जो जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में
आना चाहता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.